और ये जो लुक आने वाला है ना, इसके लिए तैयार है ना भाई। और ये स्टे बुक किया है हमने सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में, और मैं आपको दूसरा स्टे भी दिखाने वाला हूँ, और इसका नाइट व्यू तो इतना औसम है, तो बने रहिएगा वीडियो में। ये कुछ लुक है हमारे हॉस्टल की रूफ से जो आपको देखने को मिलता है जोधपुर का। सो गाइस, हम जोधपुर पहुंच गए हैं और अब बचे हैं सिर्फ 37 किलोमीटर, जिसके भी दिखा रहा है 50 मिनट। दिखाने वाले हैं आपको जोधपुर में हमने लिया है हॉस्टलर, और हॉस्टलर बहुत ही एक बहुत फेमस हॉस्टल है, वहां पर हम रुकने वाले हैं और आपके साथ शेयर करेंगे एक्सपीरियंस। और वाला डायलॉग सुना है आपने, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है, ऐसी अपना है, डेस्टिनेशन से डर नहीं लगता साहब, टोल से लगता है। भाई इतने टोल भाई, जहां तो मतलब अगर पार्क में भी जा रहे हो वहां पे फीस, टोल तो मतलब मैं थक गया हूँ भाई, एक बार ही लेके छुट्टी कर लो। लमसम 2000-2500 के आसपास हमने टोल दे दिए होंगे, मैंने अपनी एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किया, बट थोड़ी दूर चलते हैं तो ही टोल में हम करेंगे फन। जोधपुर में ज़्यादा रुकने का प्लान है, मेरा प्लान है कि मैं कल ही निकल जाऊँ, उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्या है। जैसलमेर में हो जाती है भाई गर्मी, और अभी भी इतनी गर्मी हो गई, मेरे ना पूरे होठ फट गए हैं। कल मैं स्कूटी पे गया था, वो दिन बाद, हम पहले गाड़ी में ही घूम रहे थे, तो अब हमने को पता नहीं था, इतना पानी भी नहीं पीते हैं, तो थोड़ा सा ना बहुत ड्राइनेस आ गया पूरा होठ, मैं तो कुछ लगाता भी नहीं, पूरा होठ ना ऐसे कट सा गया है। और तो जैसलमेर में तो यार भयंकर गर्मी होती है, तो हम सोच रहे हैं कि हम पहले जैसलमेर में छापा मार देते हैं, 3-4 दिन जैसलमेर के अच्छे कर लेते, क्योंकि अभी 22-23 फरवरी है तो थोड़ा ठीक होगा, मार्च में वहाँ गर्मी कैडे वाली हो जाएगी। उसके बाद आते हुए जोधपुर में अगर मन करा 2-3 दिन का रुकने का तो रुक जाएंगे, और प्लान बना माउंट आबू का, पैसे बचे माउंट आबू के तो माउंट आबू भी रुक जाएंगे। तो ये है हमारा कुछ प्लान। सो गाइस, अभी हम आ गए हैं जोधपुर, और हमने बड़ी जुगाड़ से अपनी गाड़ी पार्किंग पर लगाई है, मैं आपको दिखाऊंगा, और हम जा रहे हैं अभी अपने हॉस्टल की तरफ जो है हॉस्टलर। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं हॉस्टलर और बताएंगे आपको कैसे सर्विस। जो मेरा पहला एक्सपीरियंस है वो तो अच्छा नहीं गया बिल्कुल भी, क्योंकि जब मैं गया काउंटर पे, तो काउंटर पे क्या बोला वो अंदर जाते ही, हमने फोर बेड वाली डोरमेंट्री में रूम बुक किया था, तो उसने बोला है कि नहीं यार आपको तो 6th में, और मैंने उसको दिखा दिया booking.com पे कि यार मेरा 4-bed dormitory में ही है, बट वो फिर भी ज़िद लड़ा रहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब वो मुझे प्रॉब्लम बता रहा था अपनी। बट उसके बाद जब मैंने बोला कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तुम्हें दिखा दिया booking.com से, तुम इसका सोल्यूशन निकालो, यू आर ऑन द डेस्क, तब वो थोड़ा सा नरम पड़ा और फिर कह रहा मैं कुछ करता हूँ, मतलब उसके हाथ में था करना है ना। और जब मैंने उसको बोला मैं गोस्ट होप से भी ट्राई कर लिया, मैंने मुसाफ भी ट्राई कर लिया, मैंने मूस्टेड ट्राई कर लिया, ये आपका पहला एक्सपीरियंस है, तब वो थोड़ा सा समझा इस बात को, तो ये चीज़ मुझे गलत लगी थोड़ी। ये है हमारा हॉस्टल, थोड़ा सा सेटल हो जाती है ना ब्रांड, तो ये दिक्कत हो जाती है कस्टमर सर्विस की ना। तो गाइस ये है अपना हॉस्टल जोधपुर में जहाँ पे हम रुके हुए हैं, यहाँ से कुछ नज़ारा दिखता है मेहरानगढ़ फोर्ट का, मैं दिन में एक बार और दिखाऊंगा, अभी आपको मैं दिखाता हूँ हॉस्टल। तो ये है रूफ टॉप जोधपुर हॉस्टलर का, मुसाफिर रेस्टोरेंट का नाम है मुसाफिर, और इनका पास में कोई कैफ़े भी है जहाँ पे अभी लाइव म्यूज़िक चल रहा है। तो ये है, और यहाँ पे जो प्राइजेस हमें रूम के मिले हैं, इट्स 800 फॉर 2 beds फॉर 1 day, तो इट्स अराउंड 400 rupees पर बेड, आई थिंक इट्स प्रिटी चीप एंड प्रिटी गुड। सो इस अपना ऐसा कुछ रूम है अभी ज्वाइन किया है हमने, ये कुछ अपने पहले के बंधु बैठे हैं जिन्होंने थोड़ा सा रूम गंदा कर रखा है, ये देखो। सो गाइस ऐसा कुछ है हमारा हॉस्टल, और मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ टेरेस का जो लुक है, और हम अभी दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, पहले पानी भर लेते हैं, ये रहा पानी का। माउंटेन ट्रैकर, अभी हम जा रहे हैं रूफ टेरेस दिखाने आपको, चलो। और ये जो लुक आने वाला है ना, इसके लिए तैयार है ना भाई। ऐसा कुछ लुक है, ये कुछ लुक है हमारे हॉस्टल की रूफ से जो आपको देखने को मिलता है जोधपुर का। मैं आपसे बात किया था, मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना दूसरा हॉस्टल जिसका नाम है जोस्टल।
ये है एंट्री हमारे हॉस्टल की, और मैं कुछ दिखाता हूँ रिसेप्शन से लेके पूरा। ये है ऐसा कुछ रिसेप्शन 102। नीचे है फीमेल डॉर्मेट्री ओनली फॉर फीमेल्स, और मिक्स्ड भी हैं, जिसमें मैं रह रहा हूँ मिक्स्ड हैं। ये है मेरा रूम 203, और ये है कॉमन एरिया हमारे हॉस्टल का। सो गाइज, वी आर इन द हॉस्टल जोधपुर, एंड द प्राइजेस जो आपने बुक किया है वो है 900 रुपए के आसपास दो दिन का। ये एक और रूम है जिसमें आप बैठ के काम कर सकते हो दिन में, और उसका लुक कुछ ऐसा है। टेरेस का क्या लुक आता है यहाँ से, जस्ट वेट फॉर द धमाका। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसे लगे आपको ये दोनों हॉस्टल्स जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाए हैं, प्लीज़ कमेंट डाउन योर ओपिनियन, और मिलते हैं अपने नए एक्सपीरियंस में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। थैंक यू।